हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीपीए क्लासेस आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब बताता हूँ कोई भी इनकम जो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अर्न करते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं अब हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे डिफाइन किया गया है एज़ पर सेक्शन टेन सेक्शन वन ऑफ़ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एग्जाम्पटेड फ्रॉम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10, सब सेक्शन वन में बताया गया है कि हमें एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एग्जाम्पट्ट फ्रॉम टैक्स अब हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन के सेक्शन टू सब वन ए के अंडर कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहा गया है एनी रेंट और रिवेन्यू डाइव फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल परपजिज सबसे पहली कंडीशन आती है जो हमारा लैंड होना चाहिए वो सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए यानी वो लैंड हमारा इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए और उस लैंड का यूज़ खाली एग्रीकलचरल परपज के लिए होना चाहिए और उस लैंड से हमें जो भी रेंट और रिवेन्यू जनरेट होता है उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं सेकेंड पॉइंट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड पर कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो हमें उस क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे हमें क्रॉप को पानी देना पड़ता है उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं उसे हार्वेस्ट करना पड़ता है और कहीं क्रॉप्स की हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिससे जो हमारा प्रोड्यूस है वो फिट हो जाए मार्केट के लिए और उस प्रोड्यूस को हम मार्केट में बेच सकें और जो भी इनकम हम उस प्रोड्यूस या क्रॉप्स को बेचकर अर्न करते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं थर्ड पॉइंट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म हाउस अगर हमारा कोई फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस से हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो उसे भी हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं लास्ट पॉइंट है एनी इनकम डिराव फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी अगर हम वीट और राइस उगाते हैं तो उसे हम पहले नर्सरी में उगाते हैं क्योंकि तो वीट और राइस के सीडलिंग्स को हम डायरेक्टली एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं उगा सकते और जब राइस और वीट के सीडलिंग्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम उसे ले जाकर एग्रीकल्चरल लैंड पर उगाते हैं तो जो इनकम हम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स को नर्सरी में उगा कर अर्न करते हैं उसे भी हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो